कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और सबसे पहले स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल वैस फ्री लर्निंग में। मेरा नाम है वैस खान और मैं बात कर रहा हूँ भागलपुर से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इससे पहली वाली जो मेरी वीडियो है, जो कि हमारा स्फेरिकल मिरर्स का पार्ट 4 था, जिसमें हम लोगों ने बात किया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस फॉर्मड इन कन्वेक्स मिरर के बारे में, और उसमें हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजिशन पे रख के ये चेक किया था कि उसका इमेज जो है वो कहाँ पर बनेगा और उसका नेचर ऑफ इमेज क्या होगा। तो चलिए, खैर आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग जानने वाले हैं यूजेस ऑफ कन्वेक्स एज वेल एज कनकेव मिरर, एंड वी विल ट्राई टू डिस्टिंग्विश, आई विल डिस्कस इट विद यू गाइस दैट हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कनकेव, कन्वेक्स एंड प्लेन मिरर। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो, एंड बिफोर स्टार्टिंग अ वीडियो आई मस्ट टेल यू दैट दोज हु हैवंट सब्सक्राइब्ड माय चैनल येट, गो एंड सब्सक्राइब इट, एज वेल एज डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, बिकॉज एज सून एज आई अपलोड माय वीडियोस इट्स गोना रीच यू इंस्टेंटली। So let's start our video without wasting our time. Let's go. अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं कि कनकेव मिरर का हमारी लाइफ में क्या यूज है। सबसे पहला इसका यूज है कि ये हीटिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि हम लोग सोलर रेडिएशन को कन्वर्ज करने के लिए। कन्वर्ज करना, आप लोग जैसा कि मैंने पहले भी आप लोग को एक्सप्लेन किया था, जानते हैं आप लोग, कन्वर्ज करना मतलब ये दो रिफ्लेक्टेड रेज जो ये गया इंसिडेंट रे, ये वापस टकरा के जब आता है, ये दूसरा वाला जब इंसिडेंट रे गया, ये भी जब वापस टकरा के आता है, फॉर एग्जाम्पल ये दूसरा वाला गया आपका इस तरह से, और फॉर एग्जाम्पल ये इधर गया और सेम डायरेक्शन में आ गया, तो ये जहां पे कन्वर्ज कर रहा है, जहां पे मीट कर रहा है दोनों वापस आके, रिफ्लेक्टेड रेज जहां पे मीट कर रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग पॉइंट, और कहते हैं दीज रिफ्लेक्टेड रेज आर सेट टू बी कन्वर्जिंग, क्योंकि ये दोनों मीट करता है एट सम पॉइंट। तो इसका इस्तेमाल, खैर सोलर रेडिएशन का इस्तेमाल करके सोलर कुकर्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है फॉर कन्वर्जिंग सोलर रेडिएशंस, ताकि वहां पे सफिशिएंट हीट को जनरेट किया जा सके फॉर कुकिंग पर्पस। अब ये वाला तो हो गया हमारा, दूसरा वाला है एज रिफ्लेक्टर्स। रिफ्लेक्टर्स के तौर पे आपका कनकेव मिरर्स का इस्तेमाल कैसे किया जाता है कि इसको प्रोजेक्टर्स में इस्तेमाल किया जाता है एज रिफ्लेक्टर्स। आप लोगों ने देखा होगा कि प्रोजेक्टर का काम क्या है, वो पर्दे पे जो है आपका प्रोजेक्ट कर देता है, उस चीज को दिखा देता है, उस इमेज को दिखा देता है, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन वो करता है किसी पर्दे पे, और उसमें रियल इमेज फॉर्मेशन होता है क्योंकि इट इज ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, द इमेज इज ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। तो प्रोजेक्टर्स में, लाइट हाउस के हेडलाइट्स में, सर्च लाइट्स में, टॉर्चेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है कनकेव मिरर्स का एज रिफ्लेक्टर्स, ताकि वहां पर पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑब्टेन किया जा सके। अब ये तभी पॉसिबल है जब सोर्स ऑफ लाइट को आप फोकस पे रखेंगे कनकेव मिरर के। ये मैंने पहले ही आप लोगों को डायग्राम्स में पढ़ा दिया है, पिछली वीडियो में जाके आप लोग चेक कर लीजिएगा। अब देखिए, बड़ा बड़ा जो कनकेव मिरर्स होता है इसका इस्तेमाल आपका टेलीस्कोप में किया जाता है, दे आर यूज्ड इन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स। सो ये वाला भी हो गया हमारा। अब तीसरा है शेविंग मिरर्स में भी आपका कनकेव मिरर्स का इस्तेमाल किया जाता है। कनकेव मिरर्स जो है वो शेविंग मिरर्स के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, और मेकअप मिरर्स के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, ताकि हम लोग एक एनलार्ज्ड इमेज देख सके और एक इरेक्ट इमेज देख सके। इरेक्ट किसे कहते हैं बच्चों? इरेक्ट उसे कहते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बंदा खड़ा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे है आपका आईना, ये मिरर है आपका 1 मीटर के डिस्टेंस पे, तो यहाँ ये प्लेन मिरर हम लोगों ने लिया है, ऐसे ही एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ भी इसका 1 मीटर डिस्टेंस होगा, और यहाँ पे इसका इमेज जो फॉर्मेशन होगा यहाँ पे इस बंदे का, ये इरेक्ट होगा। इरेक्ट का मतलब अगर इसका सर ऊपर था तो यहाँ भी सर ऊपर, पैर नीचे, ऐसा नहीं हो जाएगा कि इसका पैर ऊपर और सर नीचे हो जाएगा। अगर पैर ऊपर और सर नीचे हो जाता तो उसको हम लोग कहते हैं द इमेज इज इन्वर्टेड, इन्वर्टेड इमेज फॉर्मेशन होता, ठीक है। अब ये तो था आपका शेविंग मिरर्स में, इसका भी हो गया। नाउ वी विल टॉक अबाउट हाउ इट इज यूज्ड एज डॉक्टर्स हेड मिरर। अब डॉक्टर्स भी जो है वो कनकेव मिरर को इस्तेमाल करते हैं कैसे, कि ये लोग इस्तेमाल करते हैं इसको लाइट को फोकस करने के लिए इंटरनल बॉडी पार्ट्स पे, जैसे कि टीथ, जैसे कि डेंटिस्ट लोग इसका इस्तेमाल करते हैं टीथ को चेक करने के लिए, ईयर, कान के अंदर का कुछ देखने के लिए, नोज, थ्रोट, गले के अंदर क्या प्रॉब्लम है, ये सारी चीजों को चेक करने के लिए कनकेव मिरर्स का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि लाइट को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस किया जा सके। अब ये आपका तभी पॉसिबल है जब आपका पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो है वो स्ट्राइक करेगा, इंसिडेंट करेगा कनकेव मिरर पे, जब आपका पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो है वो फोकस करेगा कनकेव मिरर पे, ये कनकेव मिरर है, तभी आपका ये पॉसिबल हो पाएगा कि आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ठीक से फोकस कर पाएंगे, जिसकी वजह से आप जो है बीम को फोकस करा पाएंगे, फोकस, इट फोकसेस द बीम टू अ पॉइंट।
इस केस में बीम जो है वो कन्वर्ज हो जाता है इंटरनल बॉडी पार्ट पे विच इज टू बी एग्जामिन, जिसका आप एग्जामिन जिसको आप एग्जामिन करना चाहते हैं, वो डॉक्टर जिसको एग्जामिन करना चाहता है जिस पार्ट को, उस पर फोकस हो जाएगा अच्छी तरीके से। सो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड, ये आके इधर जाएगा, ये आके इधर जाएगा, यहाँ पे कन्वर्ज कर जाएगा। अब देखिए फ्लडलाइट्स में क्या होता है, फ्लडलाइट में इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है कि एक ब्राइट बल्ब जो है उसको रखा जाता है फोकस और पोल के बीच में, एक ब्राइट बल्ब को रखा जाता है फोकस और पोल के बीच में कनकेव मिरर के, ताकि उससे एक डाइवर्जेंट बीम ऑब्टेन किया जा सके। अब जब फोकस और फॉर एग्जांपल ये फोकस है आपका, ये आपका फोकस है और ये है आपका पोल, ये आपका पोल है हम लोग जानते हैं, और ये है कनकेव मिरर, इसके बीच में रख दिया जाता है आपको, इसके बीच में रख दिया जाता है एक बल्ब को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये बल्ब का डब्बा है और इसमें रख दिया गया एक बल्ब को, और यहाँ पे एक छोटा सा दरवाजा खोल दिया गया है जिससे कि ये बीम ऑफ लाइट है वो पास करेगा। अब इससे डाइवर्जेंट रेज जो है वो निकलता है, डाइवर्जेंट बीम इससे ऑब्टेन किया जाता है, और इस तरह से इसका फ्लडलाइट्स में डाइवर्जेंट इस वजह से ताकि डाइवर्जेंट होगा तो उसका उसकी रोशनी फैलेगी, ठीक है। कन्वर्जेंट अगर होगा तो वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस करेगा, लेकिन अगर डाइवर्जेंट होगा ना तो उसकी रोशनी क्या होगी, फैलेगी, ठीक है। डाइवर्जेंट का मतलब होता है एक दूसरे से दूर जाना, और कन्वर्जेंट का मतलब होता है किसी पॉइंट पे जाकर मिलना। तो आई होप कि आप लोगों को यहां तक समझ में आओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग समझते हैं कन्वेक्स मिरर का यूज क्या है। सो लेट्स रिपीट फर्स्ट। अब देखिए बच्चों कन्वेक्स मिरर का क्या क्या यूज है। सबसे पहला यूज है इसको इस्तेमाल किया जाता है एज रेयर व्यू मिरर्स। रेयर व्यू मिरर्स का मतलब ये होता है कि कन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल जो है वो व्हीकल्स में, जैसे कि कार्स में, ट्रक्स में, बस में किया जाता है, ये चेक करने के लिए कि पीछे से ट्रैफिक को चेक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है कि पीछे से गाड़ी छकड़ा आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। अब देखिए या फिर कितनी दूरी पे है। अब देखिए कन्वेक्स मिरर जो होता है इसका इस्तेमाल रेयर व्यू मिरर्स में इसीलिए किया जाता है, दो रीजन की वजह से इसका इस्तेमाल किया जाता है एज रेयर व्यू मिरर्स। क्यों इसका इस्तेमाल किया जाता है, यहां से एक सवाल बनेगा। ऐसे तो यहां से देखिए यूजर्स के तौर पे तो इससे सवाल बनेगा ही कि राइट एनी थ्री यूजर्स और फोर यूजर्स ऑफ कनकेव मिरर, राइट एनी फोर यूजर्स ऑफ कन्वेक्स मिरर। और इसके साथ यहाँ पे एक और सवाल बनेगा कि कन्वेक्स मिरर का एज रेयर व्यू मिरर्स इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि क्योंकि वो एक वाइड फील्ड ऑफ व्यू देता है। मतलब इसका ये मतलब हुआ कि जो भी इमेज आपका कन्वेक्स मिरर में बन रहा है वो हाईली डिमिनिश्ड होगा। हाईली डिमिनिश्ड मतलब ये होता है कि अगर ऑब्जेक्ट का साइज बहुत बड़ा है तो उसका जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो बहुत ज्यादा छोटा होगा। मैंने पहले भी आप लोगों को समझाया था कि अगर ये कन्वेक्स मिरर है, ये आपका एक कन्वेक्स मिरर है, तो इसमें जो इमेज फॉर्मेशन होगा, फॉर एग्जांपल ये एक रे गया, ये टकराता है और उसके बाद फिर डाइवर्स कर जाता है, ये दूसरा वाला गया, ये फोकस से यहां से आता है, टकराता है और ये भी आपका क्या करता है, डाइवर्स कर जाता है। मतलब ये अपना अलग ही दिशा में जा रहा है और ये अपना अलग ही दिशा में जा रहा है, ये दोनों अपना अलग ही दिशा में जा रहा है। तो ये अपना अलग दिशा में जा रहा है, वो अपना अलग दिशा में जा रहा है। उसकी जगह इसको तो ये किसी पॉइंट पे जो है यहाँ पर मिलेगा और ये होगा आपका फोकस, ठीक है। अब चूंकि ये फोकस पे मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये फोकस से आ रहा है, लेकिन हकीकत में ये जो आपका रिफ्लेक्टेड रेस है ये आपका फोकस पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इट अपीयर्स टू इंटरसेक्ट एट फोकस। तो यहाँ पे जो आपका इमेज फॉर्मेशन होगा वो हाईली डिमिनिश्ड होगा, यानी कि यहाँ पे जो आपका इमेज फॉर्मेशन होगा बच्चों, जहां पे ये मीट कर रहा है आपका, यहाँ पे जो आपका इमेज फॉर्मेशन होगा ये आपका हाईली डिमिनिश्ड होगा, यानी इसका साइज जो है वो ऑब्जेक्ट के साइज से बहुत ज्यादा छोटा होगा। यानी ऑब्जेक्ट का जो रियल साइज है, फॉर एग्जांपल उसका रियल साइज 100 फीट है, फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट का रियल साइज 100 फीट है, तो हो सकता है कि उसका जो इमेज फॉर्मेशन होगा हो सकता है कि 2 फीट हो, ठीक है, या 3 फीट हो, या 2.5 फीट हो, इस तरह से। इस वजह से इसका इस्तेमाल किया जाता है एज रेयर व्यू मिरर्स। दूसरी बात यह है जिसकी वजह से आपका वाइड फील्ड व्यू मिलेगा, चूंकि इसका जो इमेज फॉर्मेशन होगा हाईली डिमिनिशिंग होगा, तो पीछे जो गाड़ी छकड़ा जो चल रहा होगा जिसका साइज कुछ ज्यादा ही बड़ा होता है, अब अगर मान लेते हैं ऐसा नहीं होता, जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है वो हाईली डिमिनिश नहीं होता, तो फिर वो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी, ट्रक है, बस है, कार है, उसको आप उतनी छोटे से मिरर में कैसे देख पाते, नहीं देख पाते। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे कन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करेंगे, जिसकी वजह से वो बड़ी बड़ी ट्रक्स, कार, बाइक, ये सबका साइज बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से आपको एक वाइड
व्यू मिलता है कि पीछे कितनी गाड़ी है और कितने डिस्टेंस पे है। चलिए ठीक है, दूसरा कारण ये है यहाँ पे कन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करने का कि कन्वेक्स मिरर जो है वो हमेशा इरेक्ट इमेज बनाता है। इरेक्ट इमेज अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को समझाया था, इरेक्ट इमेज का मतलब ये होता है कि अगर बंदा ऐसे खड़ा है यहाँ पे और यहाँ पे आपका मिरर, ठीक है, तो इसका जो यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होगा ना, ये भी आपका इसका सर ऊपर है तो सर ऊपर ही होगा, पैर नीचे है तो पैर नीचे ही होगा, दिस इज व्हाट यू कॉल्ड इरेक्ट। और अगर हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि इन्वर्टेड, तो इन्वर्टेड का मतलब ये है कि अगर सर ऊपर है तो यहाँ पैर ऊपर हो जाता है, सर नीचे हो जाता है, सो दैट्स व्हाट यू कॉल्ड इन्वर्टेड। अब देखिए यहाँ पे चूंकि ये इरेक्ट इमेज बनाता है तो इस वजह से इसको इसका इस्तेमाल जो है वो गाड़ी छकड़े में किया जाता है कि पीछे जो ट्रक मेरी सीधी खड़ी है वो सीधी ही नजर आए, उल्टी नजर ना आए, इन्वर्टेड नजर ना आए, इस वजह से इसका इस्तेमाल जो है वो मिरर्स में किया जाता है कार्स के या फिर किसी भी व्हीकल के। अब दूसरा इसका डेंजरस कॉर्नर का सेफ व्यू लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मतलब कन्वेक्स मिरर जो है उसको स्टेयरकेस पे लगा दिया जाता है डबल डेकर बस के। डबल डेकर बस कैसी होती है, नीचे भी लोग बैठते हैं और ऊपर भी लोग बैठते हैं, तो जो डबल डेकर बस होती है उसके स्टेयरकेस पे सीढ़ी पर जो है कन्वेक्स मिरर लगाया जाता है ताकि जो है डेंजरस कॉर्नर्स का सेफ व्यू मिल सके व्हाइल क्लाइंबिंग अपस्टेयर्स। जब लोग सीढ़ी चढ़ रहे हो तो उनको डेंजरस कॉर्नर्स का जो है वो सेफ व्यू मिल सके ताकि उनको चोट घाट नहीं लगे। अब देखिए बच्चों, तीसरा बात यह है कि इसको विजिलेंस मिरर के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। विजिलेंस मिरर यानी कि बड़े बड़े शॉप्स में इसका इस्तेमाल होता है, डिपार्टमेंटल स्टोर्स में इसका इस्तेमाल होता है एज एंटी शॉपलिफ्टिंग डिवाइस, ठीक है, शॉप्स में और डिपार्टमेंटल स्टोर्स में भी इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा आपका स्ट्रीट लाइटनिंग्स में भी इसका इस्तेमाल होता है क्योंकि ये डाइवर्स कर देता है। हम लोग जानते हैं कि कन्वेक्स मिरर इज नोन एज डाइवर्जिंग मिरर, क्योंकि जो भी लाइट रे उससे आके टकराता है वो डाइवर्ज हो जाता है, ये जो टकराया है ये अपना उधर चला गया और ये जो है ये अपना इधर चला गया, यानी कि वो एक दूसरे से जो लाइट रे जो आके यहाँ पे टकराएगा स्ट्राइक करेगा वो उधर जाएगा तो ये इधर जाएगा, वो दोनों आपस में मीट कभी नहीं करेगा, कन्वर्ज कभी भी नहीं करेगा, दे ऑलवेज डाइवर्ज, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल कन्वेक्स मिरर एज डाइवर्जिंग मिरर्स, क्योंकि उसका जो रिफ्लेक्टेड रेस होता है वो हमेशा डाइवर्ज करता है, ऐसा लगता है इट अपीयर्स टू इंटरसेक्ट और इट अपीयर्स टू कन्वर्ज दिस साइड बट इट डज नॉट कन्वर्जेस, एक्चुअली इट डज नॉट कन्वर्ज, व्हाट हैपेंस इट ऑलवेज डाइवर्ज, दीज रेज ऑलवेज डाइवर्ज, इफ आई टॉक अबाउट कन्वेक्स मिरर। तो ये था कुछ इसका यूजेस बच्चों। तो चलिए आगे हम लोग समझते हैं, इसके बाद हम लोग समझते हैं कि प्लेन मिरर, कंकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर को हम लोग डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं कि ये जो है आपका प्लेन मिरर है, ये कन्वेक्स मिरर है, ये कंकेव मिरर है, आप किसी आईने को देख के कैसे बता सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूं और मैं फिर से बता दूं कि जो भी मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूं, दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सो लेट्स सबमिट फर्स्ट एंड वी डिस्कस अबाउट हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लेन मिरर, कन्वेक्स एंड कंकेव मिरर। और देखिए बच्चों, हम लोग कैसे पता लगा सकते हैं कि जो भी मिरर हम लोग के सामने है वो कन्वेक्स है, कंकेव है या फिर प्लेन मिरर है। अब देखिए, सबसे पहली चीज अगर आप लोग नोटिस करते हैं, अगर आप लोग देखते हैं कि आप लोग उसके सामने खड़े या कोई ऑब्जेक्ट उसके सामने रख देते हैं और उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है वो इरेक्ट और इक्वल इन साइज है। इरेक्ट का मतलब होता है कि अगर सर ऊपर है तो जो इमेज बन रहा है उसमें भी आपका सर ऊपर है, जैसे कि ये ऐसे है, ये बंदा खड़ा है, इसके सामने कोई मिरर है, इसका जो इमेज फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है इसका भी सर ऊपर है और पैर नीचे है, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि ये एक प्लेन मिरर है, ठीक है, यानी कि अगर इरेक्ट और इक्वल इन साइज है और साइज चेंज नहीं हो रहा है, आप मिरर से दूर भी जा रहे हैं, मिरर के पास भी आ रहे हैं, तो भी जो ऑब्जेक्ट का साइज है, जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट के बराबर है। अगर ये 6 फीट का आदमी इधर खड़ा है तो इधर भी क्या है, 6 फीट का ही आदमी खड़ा रहेगा। अगर ये 6 फीट का आदमी यहाँ 10 फीट का हो जाता है तो इसका मतलब ये प्लेन मिरर नहीं है, और अगर सेम साइज का है और इरेक्ट है इसका मतलब ये प्लेन मिरर है। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप ये कैसे समझेंगे कि प्लेन मिरर है या कि नहीं, तो ये पहला वाला क्राइटेरिया। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है, दूसरा ये है कि अगर इरेक्ट और मैग्निफाइड है, मैग्निफाइड का मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को समझा देता हूं यहां पे बना के, अगर मान लेते हैं कि यहां पे बंदा खड़ा है 5 फीट का, ठीक है, और यहां पर ये मिरर है और यहां इसका साइज जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है
ये यहाँ पे हो जाता है 7 फीट का फॉर एग्जाम्पल, यानी कि यहाँ पे इमेज जो फॉर्मेशन हो रहा है वो इरेक्ट तो है, इरेक्ट का मतलब सर ऊपर था तो सर ऊपर ही है, यहाँ पे सर नीचे नहीं हो, पैर ऊपर नहीं हो गया, लेकिन उसका जो साइज है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, द इमेज इज हाईली मैग्निफाइड, यहाँ पे इमेज जो है वो मैग्निफाई हो गया है, तो इसका मतलब और इन्वर्टेड हो जाता है अगर आप दूर जाते हैं तो, यानी कि अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को इस मिरर से दूर लेकर जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल हम लोग ऑब्जेक्ट को बहुत दूर लेकर चले गए, फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ लेकर चले गए, तो यहाँ पर जो इसका इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा बच्चों वो उल्टा हो जाएगा, यानी कि इस बंदे का ऐसा कुछ ऐसा इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कि इसका साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और ये इन्वर्टेड हो जाएगा, तो ये आपका कंकेव मिरर है, अगर ऐसा होता है तो आपका कंकेव मिरर है, ये दोनों एक्सप्लेन कर दिए। अब तीसरी बात ये है कि अगर आप देख रहे हैं कि इमेज जो फॉर्मेशन हो रहा है वो इरेक्ट है और डिमिनिश्ड है, डिमिनिश्ड का मतलब कि उसका साइज छोटा हो जा रहा है, उसका साइज छोटा हो जा रहा है, अब फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर एक बंदा खड़ा हुआ है ठीक है, और यहाँ पर आपका मिरर है और इसका साइज हो जा रहा है छोटा, यानी यहाँ पे अगर 6 फीट का बंदा खड़ा है और इसका जो इमेज यहाँ पर बन रहा है वो 5 फीट का, ये 6 फीट का बंदा खड़ा था और इसका यहाँ पर इमेज जो बन रहा है वो 4 फीट से 5 फीट के बीच में या 4 फीट है, तो इसका मतलब है कि ये एक कन्वेक्स मिरर है, यानी कि इमेज तो आपका इरेक्ट है, जो इमेज इस ऑब्जेक्ट का बन रहा है वो यहाँ पे इरेक्ट है, यानी कि सर ऊपर था तो सर ऊपर ही है, पैर नीचे था तो पैर नीचे ही है, इसी का मतलब होता है इरेक्ट, लेकिन यहाँ पे डिमिनिश्ड है, डिमिनिश्ड का मतलब होता है कि उसका साइज छोटा हो गया, ये देखिए यहाँ पे 6 फीट का बन रहा था, ये यहाँ पे हो गया आपका 4 फीट का या फिर 5 फीट का, तो इसका मतलब ये है कि ये एक कन्वेक्स मिरर है, और एक चीज याद रखिएगा कि कन्वेक्स मिरर के केस में वो आप उससे दूर भी जाइएगा तो भी वो इरेक्ट ही रहेगा, कनकेव मिरर के केस में ऐसा नहीं हो रहा था, आप दूर जा रहे थे तो वो इन्वर्टेड हो जा रहा था, ये देखिए सर नीचे पैर ऊपर हो जा रहा था, लेकिन अगर कन्वेक्स मिरर की हम लोग बात करें चाहे आप उससे दूर जाएं चाहे पास आएं, इट विल रिमेन इरेक्ट इन बोथ द केसेस। तो चलिए खैर मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब देखिए बच्चों मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दूं कि कार्टेशियन साइन कन्वेंशन क्या है, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। अब देखिए हम लोगों को किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को अगर स्पेसिफाई करना है और उसके इमेज को अगर हम लोगों को स्पेसिफाई करना है तो हम लोगों को एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है और हम लोगों को एक साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा और हम लोगों को फॉलो करना पड़ेगा कुछ सेट ऑफ साइन कन्वेंशन को जिसको हम लोग कहते हैं न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। अब देखिए बच्चों ये कन्वेंशन कुछ इस तरीके का है, सबसे पहला कन्वेंशन ये है, सबसे पहला हमारा कार्टेशियन साइन कन्वेंशन ये है कि ऑब्जेक्ट जो है उसको हमेशा प्लेस किया जाता है लेफ्ट ऑफ द मिरर, यानी कि बाएं साइड पे ही ऑब्जेक्ट को हमेशा रखा जाता है। इसका मतलब ये है कि लाइट रे जो है वो फॉल करता है, यानी आपका इंसिडेंट रे जो है आपका फॉल करता है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, यानी इंसिडेंट रे जो आपका गिरेगा मिरर के ऊपर वो लेफ्ट हैंड साइड से गिरेगा, लेफ्ट टू राइट, ये आपका मिरर ठीक है, ये लेफ्ट टू राइट हमेशा गिरेगा आपका इंसिडेंट रे, स्ट्राइक करेगा लेफ्ट टू राइट। दूसरी बात यह है कि जितना भी डिस्टेंस है जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, इसको मेजर किया जाता है फ्रॉम द पोल ऑफ मिरर, यानी कि जितना भी डिस्टेंस आपका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। अब ये देखिए इसको मैं आप लोगों को समझा देता हूं कि फॉर एग्जाम्पल यहां पर आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, यह आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका कंकेव मिरर मान लेते हैं ठीक है। अब जितना भी डिस्टेंस आप लोग मेजर करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस से, एग्जाम्पल इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है प्रिंसिपल एक्सिस से, इसको आप लोग मेजर करेंगे हमेशा पोल से, पोल से ही इसको मेजर करना है इसके डिस्टेंस को ठीक है। अब देखिए पोल जो है उसको ओरिजिन माना जाता है, ओरिजिन का मतलब है जैसे कि हम लोग यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट बना लेते हैं, यहाँ पे ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस है ठीक है, और ये आपका वाई एक्सिस ठीक है, और ये आपका ओरिजिन है ठीक है। तो ये जो है ये आपका याद रखिएगा ये पोल होता है आपका, ये आपका क्या होता है, ये जो पोल है ये आपका ओरिजिन होता है। अब देखिए प्रिंसिपल एक्सिस जो होता है मिरर का इसको एक्स एक्सिस माना जाता है कोऑर्डिनेट सिस्टम का, ये देखिए तीसरा वाला पॉइंट, प्रिंसिपल एक्सिस जो है उसको एक्स एक्सिस माना जाता है, एक्स एक्सिस कैसे माना जाता है ये देखिए,
ये जो हमारा मिरर है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका कनकेव मिरर है, ठीक है, ये आपका कनकेव मिरर है। अब ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, तो याद रखिएगा ये इसको माना जाता है आपका, ये आपका ओरिजिन हो गया यानी कि पोल, और इस प्रिंसिपल एक्सिस को, इस प्रिंसिपल एक्सिस को माना जाता है हमेशा एक्स एक्सिस, ठीक है। चौथी बात हमारी ये है कि हाइट और डिस्टेंस के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। अब देखिए जब एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रिंसिपल एक्सिस जो माना जाता है एक्स एक्सिस, जितना भी डिस्टेंस है जो मेजर किया जाता है टू द राइट ऑफ ओरिजिन, इसको पॉजिटिव लेते हैं। अब जो डिस्टेंस आप लोग राइट में मेजर कर रहे हैं, राइट में इन द सेंस, अब फॉर एग्जांपल कि ये है आपका वाई एक्सिस, ये है आपका एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन है, इसके राइट तरफ आप लोग जितना भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो सारा पॉजिटिव होगा, या फिर उस तरफ भी अगर आप लोग मेजर करेंगे तो वो सारा पॉजिटिव होगा, वो राइट हो गया, ये राइट हो गया, इधर पॉजिटिव होगा, इधर पॉजिटिव होगा, और अगर लेफ्ट साइड आप लोग कोई डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो नेगेटिव होगा और ये भी नेगेटिव होगा आपका। तो आई होप कि आप लोगों को ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब देखिए बच्चों, हाइट और डिस्टेंस जो मेजर करेंगे आप लोग अपवर्ड और परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, इसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे। अब मान लीजिए कि ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका मिरर है कनकेव मिरर, और हम लोग जानते हैं कि ये पोल जो है इसका ये ओरिजिन है। अब यहां पर फॉर एग्जांपल कोई हाइट हम लोग मेजर कर रहे हैं, यहां से यहां तक का हाइट जो हम लोग मेजर करेंगे जो कि परपेंडिकुलर होगा आपका प्रिंसिपल एक्सिस पे, उसको हम लोग हमेशा क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, और पॉजिटिव इस वजह से लेंगे क्योंकि ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है ये, जो भी चीज से हम लोग इसका डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इस ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, तो इस डिस्टेंस को हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। और अगर मान लेते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है और परपेंडिकुलर है, भैया है तो परपेंडिकुलर लेकिन है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, तो इसको हम लोग हमेशा क्या लेंगे, याद रखिएगा इसको हम लोग हमेशा नेगेटिव लेंगे और इसको हम लोग हमेशा पॉजिटिव लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यहां तक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ये हमारा 5 कन्वेंशन एंड व्हाट डू वी कॉल इट, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस। तो कुछ बातें मैं आप लोगों को और बता दूं बच्चों कि स्फेरिकल मिरर में क्या होता है, यानी कि कनकेव और कन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है पोल से, उसको हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यानी कि फॉर एग्जांपल ये आपका पोल है, यहीं पे मैं समझा देता हूं, इसी डायग्राम में ध्यान दीजिएगा, ये आपका पोल है, ठीक है, ये पोल है, हम लोग जानते हैं कि सेंटर को हम लोग बोलते हैं, ये रिफ्लेक्टिंग सर्फेस के सेंटर को क्या बोलते हैं, पोल। अब मान लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट यहां पर है, ये कोई आदमी यहाँ पे खड़ा हुआ है, इसको हम लोग ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। तो इस यहां से इस ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा बच्चों, इसी को हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और इसको हम लोग यू से डिनोट करते हैं, ठीक है, और इस डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। लेकिन हम लोग समझते हैं कि इमेज डिस्टेंस किसे कहते हैं। अब देखिए उतना ही आसान है, ये ऑब्जेक्ट है, ये मिरर है इतने दूरी पे, तो इसका फॉर्मेशन इमेज का होगा यहां पर। अब इस डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं इमेज डिस्टेंस, जिसको हम लोग बी से डिनोट करते हैं, एंड दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड इमेज डिस्टेंस, द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, वेदर इट इज कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखिए हम लोगों को न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन समझ में अच्छी तरीके से आना चाहिए अगर हम लोग को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है स्फेरिकल मिरर चैप्टर में, तो ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को कल पढ़ाने वाला हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट मिरर फॉर्मूलाज के बारे में पढ़ाने वाला हूँ, जिसका ताल्लुक आपका यू और वी से होगा, यानी कि यू विच इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और वी विच इज कॉल्ड इमेज डिस्टेंस, इससे मैं रिलेटेड कल आप लोग को पूरा फॉर्मूला भी बताऊंगा, कंसेप्ट भी बताऊंगा, और साथ ही साथ इंशाल्लाह ताला हम लोग कल न्यूमेरिकल्स भी बनाएंगे। तो चलिए खैर इसे हम लोग मिटा लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज की वीडियो जो है मेरी पसंद आई होगी, और आप लोग वीडियो को हमेशा फुल देखा करें जिससे कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट होगा। जितना चीज जो चीज मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ इससे बाहर आप लोग को कुछ भी नहीं आने वाला है, मैं अश्योर करता हूँ आप लोग को। बस आप लोग वीडियो को पूरा देखा कीजिए, और जिन बच्चों को पसंद आए वो लाइक किया करें, और जैसा कि आज की वीडियो में हम लोगों ने बात किया है यूजेस ऑफ कन्वेक्स एज वेल एज कनकेव मिरर्स के बारे में, और साथ ही में मैंने आप लोगों को ये भी बताया कि हम लोग किस तरह से प्लेन मिरर्स कन्वेक्स और कनकेव मिरर में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कौन सा प्लेन है, कनकेव है, कन्वेक्स है, मैंने आप लोगों को बताया है। और साथ ही साथ आज हम लोगों ने बात किया है न्यू कार्टेशियन कन्वेंशन के बारे में भी हम लोगों ने बात
क्या है, न्यू कार्टेशियन कन्वेंशन साइंस के बारे में। तो चलिए खैर, हम लोग अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह ताला, और उसमें हम लोग बात करेंगे कि स्फेरिकल मिरर्स चैप्टर से हम लोग न्यूमेरिकल्स जो है वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और उसमें हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के ताल्लुक से, और न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। तो आप लोग बने रहे मेरे साथ इसी चैनल पे, वैस फ्री लर्निंग पे। फिर मिलेंगे हम लोग इंशाल्लाह ताला अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।